नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल विलेज कुकिंग अंकल में। दोस्तों आज हम बनाएंगे यानी रोहू मछली फ्राई कर। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे और तवा पर फ्राई करेंगे, बड़ा वाला तवा पर। दोस्तों मछली को खड़ा फ्राई करते हैं तो काफ़ी खाने में टेस्टी लगता है और पिसा हुआ मसाला नहीं डालेंगे। चलिए दोस्तों अब वीडियो बनाना शुरू करते हैं। जो भी साथी पहली बार चैनल पाए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यानी फिलहाल हम 3 रोहू मछली लाए हैं और छोटा छोटा है, इसको खड़ा ही आज फ्राई करेंगे। और मछली जिंदा मछली है जो कि खाने में काफ़ी मीठ लगती है। आप लोग को भी कभी मौका मिले तो आप भी एक बार जरूर बनाकर ट्राई कीजिए। चलिए सबसे पहले इसको काट लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले मछली हम काट लेते हैं और ताज़ा मछली है, कभी आप भी मौका मिले तो लिया कर एक बार जरूर बनाइएगा। और आज दोस्तों हम पहली बार बना रहे हैं यानी तवा फ्राई करेंगे, इससे पहले हम फ्राई नहीं किए थे। चलिए पहली बार ट्राई करते हैं, देखते हैं कि आखिर मछली कैसे बनती है। देखिए मछली में अच्छी तरह से सभी चुइयाँ निकाल लेंगे, सही मछली को बारी बारी से चुइयाँ निकाल लेंगे। इसमें बहुत चुइयाँ होता है क्योंकि रेहू मछली में काफ़ी चुइयाँ होता है। देखिए जब भी फ्राई कीजिएगा मछली आप तो ऐसे, देखिए यहाँ से काट कर ला निकालते हैं, ऐसे निकालने से मछली टूट जाएगी, वैसे नहीं निकालेंगे। क्या करेंगे देखिए, यहाँ से लामा छुरी से यहाँ से यहाँ पर प्रेस करेंगे और यहाँ पर आस्ते से कटिंग करेंगे। देखिए एक कटिंग करेंगे अपने आप कट लग जाएगा। देखिए यहाँ से दबा कर, देखिए यहाँ से कटिंग कर लेंगे। देखिए कटिंग हो गया और यहीं सब जो भी लाद है इसमें सब निकाल लेंगे। तो फिलहाल देखिए दोस्तों मछली काट लिए और मछली को धो लेंगे अच्छी तरह से, थोड़ा सा इसको रगड़ लेंगे जो भी चुइयाँ बचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों मछली फ्राई करने के लिए तवा को अच्छी तरह से धो लेंगे। तवा में देखिए जंग पकड़ लिया है, सब अच्छी तरह से इसको धोएंगे, साफ कर लेंगे थोड़ा सा सर्फ देकर। तवा को अच्छी तरह से धो लिए और बैठा दिए यहाँ पर। तो फिलहाल देखिए दोस्तों इन तवा गर्म हो चुका है, इसी पर हम मछली फ्राई करने के लिए सरसों तेल डाल देंगे अंजाद से, आप अपने अंजाद से डाल लीजिएगा। और जब तेल गर्म होगा तभी इसके बाद हम यानी मछली डालेंगे, तेल को पूरा गर्म करेंगे नहीं तो मछली पकड़ लेगी। देखिए तेल को पूरा मिलाएंगे चारों तरफ। तो मछली फ्राई करने से पहले दोस्तों 1 चम्मच हल्दी मिला लेंगे इसमें और 1 चम्मच नमक डाल देंगे, जिससे कि मछली करवाइन जो होता है इसमें नहीं महकेगा और जो इसमें महक होता है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए अब मछली डाल लेते हैं। मछली में अच्छी तरह से मिला लिए हल्दी और नमक। तीनों मछली डाल दिए और तीनों मछली को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। तो देखिए दोस्तों मछली में डालने के लिए 1 चम्मच हल्दी ले लिए हैं और मिर्चा अपने हिसाब से ले लीजिएगा, 2 चम्मच है ये भी डाल देते हैं। मिर्चा भी ख़त्म हो गया है और यहाँ पर एक ले लिए है गोल्डी पाउडर, जिससे कि मछली काफ़ी टेस्टी लगता है जब भी फ्राई करते हैं। तो देखिए दोस्तों गोल्डी को यहाँ पर उछील लेते हैं, पूरा गोल्डी डालेंगे और जो भी मसाला है वही मसाला में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, जिससे कि मसाला फूलता रहेगा और जब मछली फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा डाल के पानी डालकर रख देते हैं। और देखिए मछली देख लेते हैं, मछली लग रहा है कि हो चुकी है एक तरफ। अभी देखिए मछली, देखिए मछली एक तरफ हो चुका है, आराम से इसको पलट लेंगे। देखिए देखिए दोस्तों जब भी मछली को फ्राई कीजिएगा तो थोड़ा सा तेल जब ज़्यादा गर्म हो जाए तभी मछली डालना चाहिए, जिससे कि मछली टूटती नहीं है। देखिए हम थोड़ा सा तेल कम गर्म का डाले, देखिए बिचौली मछली थोड़ा सा टूट गया,
और ज़्यादा एक तरफ जब जलने लगेगा यानी थोड़ा सा टाइट हो जाएगा तभी पलटा जाता है। देखिए कितना मस्त फ्राई हो रहा है। दूसरी तरफ भी फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा सा टाइम लगता है देखिए फ्राई करने में। तो देखिए दोस्तों मछली एक तरफ हो गया है और दोनों तरफ देखिए पलट लेते हैं। देखिए इस तरह भी हो गया अच्छी तरह से और मछली को थोड़ा सा साइड में कर देंगे और इसको भी पलट लेंगे। ये देखिए यही लगभग हो गई है और इसको देखते हैं। ये देखिए थोड़ा सा इसमें पकड़ लिया है नीचे थोड़ा सा इसको भी चला लेंगे। ये देखिए देखिए दोस्तों मछली फ्राई हो चुका है। मछली निकाल लेते हैं और मछली को आराम से निकालेंगे। देखिए मछली क्या लिए सही मछली। तो देखिए दोस्तों मछली फ्राई कर लिए और प्याज को काट कर इसमें फिर ऐसा डालकर थोड़ा सा मछली को मसाला में भी फ्राई कर लेंगे। अगर आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं परंतु वैसे अच्छा नहीं लगेगा चावल से खाने में, तो सोचे कि हम क्यों ना थोड़ा सा फ्राई कर ले। तो देखिए दोस्तों फिलहाल यानी तेल गर्म हो चुका है, इसमें प्याज डाल लेंगे। प्याज को अच्छी तरह से देखिए जलाएंगे आराम से। तो देखिए दोस्तों प्याज यानी ब्राउन हो गया अच्छी तरह से। अब इसमें मसाला डाल देते हैं। देखिए मसाला को थोड़ा सा पका लेंगे क्योंकि मछली में ग्रेवी थोड़ा सा बनाएंगे जिसे चावल से खाने में एकदम मस्त लगता है। इस तरह भी आप खा सकते हैं और ग्रेवी बनाएगा तो और मस्त लगेगा। इसको अच्छी तरह से पकाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। पानी डालेंगे तो मसाला पक जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल देंगे। स्वाद अनुसार इसमें देखिए नमक डाल देंगे। नमक डालकर अच्छी तरह से चला लेंगे। देखिए दोस्तों इन कहे तो ग्रेवी में उबाल आ गया, इसमें डाल देंगे मछली। मछली डाल देंगे तो इसमें क्या होगा रासा टान लगेगा तो स्वाद अच्छा लगेगा। चलिए इसमें सभी मछली डाल देंगे आराम से और जो भी ग्रेवी है थोड़ा सा उठा उठा कर इस पर डाल देंगे आराम से फिर थोड़ा थोड़ा। तो देखिए दोस्तों फिलहाल यानी मछली बनकर तैयार हो गया, फ्राई कर लिए और थोड़ा सा ग्रेवी रखे हुए हैं चावल से खाने के लिए। और चलिए मछली को अब उतार लेंगे। और देखिए तवा जैसे कि बहुत गर्म है तो इसी पर से हम काट लेंगे मछली। तो चलिए मछली फिलहाल बन चुका है, अब इसी में से देखिए हम निकाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों फिलहाल मछली बनकर तैयार हो गया है और मछली को हम लोग कचौड़ा में काट लिए हैं। तो देखिए दोस्तों यानी कहे तो चावल और मछली फ्राई कर लिए बनकर तैयार हो गया है आप लोग आज ये खाने के लिए। अब चलिए हम चख कर बताते हैं कि कैसा हुआ है। तो फिलहाल देखिए दोस्तों काफ़ी गर्मी गिर रहा है और देखिए नहा धोकर हम रेडी हो चुके हैं और देखिए खाना खा लिए आप लोग भी आज ये खाने के लिए। और चलिए ट्राई करके बताते हैं कि मछली कैसा बना हुआ है। तो दोस्तों मछली फ्राई करके बनाए एक नंबर का मछली बना हुआ है, काफ़ी टेस्टी लग रहा है। जैसे दोस्तों आप भूंज कर बनाते हैं तो इसमें स्वाद आता है और ऐसे भी आप कढ़ाई में बना सकते हैं जैसी आपकी सुविधा वैसे बनाए। आज हम फ्राई करके बनाए तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।